ESL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तहे दिल से आप सभी को नमन करती हूँ, आप सभी का सम्मान करती हूँ और आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने यहाँ आके अमित गर्ग जी का मान भराया, उनको एक मार्गदर्शन के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और उनका एक सहयोग किया। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के एक बार नमस्ते करना चाहूंगी। अमित भैया, रियल में ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए, एक आम आदमी है ना, ये है, इस बात का जवाब दीजिए। बस मैं आपसे और जवाब नहीं मांगूंगी। ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये आम आदमी है, देखो। लेकिन अब आपको पता चला, एक आम आदमी में वो पावर होती है कि सबके सब खिसते हुए यहाँ चले आए। आए आपने देखा, ऐसे सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट, मंत्री सब आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। तो अगर एक आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए आपके अंदर भी वो टैलेंट है, लेकिन तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। देखो, अब तुमको एक मौका मिला है देखने का, तो मैं समझती हूँ कुछ देख भी रहे हो। यहाँ से जाने के बाद ये मैं सोचना, अच्छा हुआ हम लोग फ्री हुए। अरे इसमें 50% आदमी ये सोच रहे होंगे, ये लोग कब फ्री हो, ये लोग कब भागे यहाँ से, तो हमें भी जाने का मौका मिला। तो सुनिए, ऐसे आप लोग कोई भी बाउंड नहीं हो, जिसको जाना है वो जा सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, ये लड़ाई, ये नींद यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन पता नहीं कहाँ खत्म होगी। इसका कोई भी अर्थ नहीं है कि ये दिल्ली में खत्म हो या लखनऊ में। हाँ, एक बात जरूर बताऊंगी, ये जिस समय खत्म होगा उस समय आपका पैसा आपके पॉकेट में होगा, तभी ये खत्म होगा, अदरवाइज ये खत्म नहीं होगा। तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। उस दिन के लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी, सबों ने मेरी बात को माना, मेरी बात को समझा और एक के साथ पांच को लेकर आए। इसके लिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, धन्यवाद। दूसरी बात देखिए, ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। आप भी जानते हैं, कोई भी कंपनी आती है मार्केट में, धरने से आती है, आप जैसे भाई को बोलती है इसमें इतना प्रॉफिट है, आप कहिए एक महीने बाद 2 लाख रुपए महीने कमाएंगे, भाई क्या मेरे पास भी ऑफर आएगा, उसे मैं भी एक्सेप्ट करूंगी। मैंने भी किया, इन्होंने भी किया, लेकिन जब वो कंपनी भागती है तो हम किसको पकड़ते हैं, अपने सीनियर को। सीनियर किसको पकड़ता है, उसको, वो किसको पकड़ता है, उसको, एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे वो भरते चले जाते हैं। तूने मुझको फंसाया, तू नहीं, ये लोगों ने नहीं फंसाया, बल्कि ये लोग उल्टे फंसे। ये काम किसका है देखने का, अगर कोई कंपनी मार्केट में आई तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, समझ रहे हैं ना, कि सरकार को अभी आपने कुछ दिन पहले वहाँ देखा होगा, उसका मुद्दा तो किसने उठाया ही नहीं। एक कार के लिए आया था कि आप स्टीकर चुपकाइए, हम आपको कार आपकी, पैसा हमारा, ये था गोली भाग्य। तो जिसमें सारे अधिकारी जानते थे कि ये कंपनी भागेगी, सब अधिकारी को नॉलेज होता है। आजकल सरकारी बैंक क्यों नहीं भागती है, पता ही क्यों, क्योंकि सरकारी बैंकों की कमान उनके हाथ में है ही नहीं, इसलिए नहीं भागते। प्राइवेट वाले क्यों भागते हैं, क्योंकि किसी नेता का परिचित होता है, वो किसी नेता का रिश्तेदार होता है, वो कंपनी ऑनर है, डायरेक्टर है, वो किसी नेता से लिंक होता है उसका, इसलिए उसकी इतनी पावर है, वो भाग जाता है। नहीं तो आप लोगों से दोनों से लड़ाई हो जाए, 151 में पुलिस डाल दे, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप कितने भी फोन करा देना, पर पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने आप को दोषी ना समझें, कोई भी निवेशक ये ना सोचे हमारे सीनियर ने फंसाया,
हो गए हमारे सीनियर ने फंसाया, ऐसा नहीं है। वो भी फंसे और आप भी फंसे, उसको नहीं पता था, नहीं तो वो अपना फंसाता आपका नहीं फंसाता। दूसरी बात ये है, अब ये लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, आप लोगों को दिल्ली जाना है और 100% जाना है। ये ना सोचें, अगर आप सोचेंगे ये भैया के जाने से काम हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो सुनिए, अगर ये भैया खाना खाए आप मत खाइए, देखते हैं कैसे आपका पेट भरता है, समझ रहे हैं। अगर इनके करने से सारे काम हो जाएंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आज आप 50, 100, 200 लोग यहाँ बैठे हो तो प्रशासन इनके यहाँ आया और कहता है सर आप जैसे चाहेंगे हम ऊपर तक आपकी आवाज पहुँचाएंगे, और गलती से कहीं वहाँ पे 2000 आदमी बैठ गए दिल्ली में, तो मोदी जी खुद रुक करा रहे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा बताइए। और ज्यादा नहीं, यहाँ तो मैंने कहा 5 लोग लाइए, वहाँ मैं 5 के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि किसी के पास पैसा होता है नहीं होता है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, हम लोग एक के साथ एक को लेके जाएंगे, लेकिन लेके जरूर जाएंगे, तो पक्का प्रॉमिस है ये आप लोगों का। चलिए बहुत अच्छी बात है, और इसमें मैं भी संघर्ष करूंगी, जबकि मैं आपको बताती हूँ मेरा एक रुपये नहीं है इसके अंदर, मैंने मेरी जो बच्ची बैठी हुई है एनजीओ से उसका भी पैसा नहीं है, लेकिन जो एनजीओ हम चला रहे हैं बाल एवं महिला विकास, वो महिला तो हमारी है ना, इनका पैसा बचा तो ये महिला तो हमारे एनजीओ की हो गई ना, जरूर भी महिला की ही है, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए आप क्यों गाड़ी पर चढ़ते हैं बस पर, तो क्यों कहते हैं बहन जी साइड होइए, क्यों नहीं कहते पत्नी से जरा साइड दीजिए, क्योंकि पता है हर एक औरत को हम लोग बहन ही मानती है, सिर्फ एक औरत होती है जो हमारी पत्नी होती है, लेकिन बाकी जितनी है वो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है। तो यहाँ पे अगर पैसा फंसा है ना, तो अकेले आपका नहीं, आपकी जो सब बहन बेटियों का फंसा है, आपको अपने लिए संघर्ष नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपने लिए संघर्ष नहीं करना है, करना है तो बहन बेटी के लिए करना है। और सबसे किसी के सामने बेटी हो, काफी टाइम आप लोगों को हो चुका है, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित भाई संघर्ष कीजिए, हम सब आ रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में अपनी आवाज लोकतंत्र में उठाने के लिए और आंदोलन किए, आज का नेपाल को 1 सितम्बर से जिले के किसी भी जनता के प्रति या सरकार के प्रति उनका दर्द सुनने का प्रयास नहीं किया, इसलिए जनता में सरकार के प्रति बहुत ही रोष व्याप्त है। मैं ये बात आज आपको बताया, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जनता का दर्द समझकर शीघ्र इसका निवारण कराने का प्रयास करें, और मीडिया के माध्यम से निवेशकों की जिम्मेदारी को स्वीकार करें, क्योंकि सभी सरकारी संस्था और सरकार आपके हाथ में है, तो आप मीडिया और उसके माध्यम से ये खबर पहुंचवाइए कि आपकी कंपनी को हमारे माध्यम से बंद किया गया और आपका भुगतान भी हम ही लोगों के माध्यम से होगा, ताकि गाँव में आ रहे निवेशक तक ये बात पहुंच सके। अपने माननीय मंत्री जी से यही गुजारिश करूंगा, धन्यवाद। और मैं अपना आंदोलन मंत्री जी के निर्देश और आदेश से मैं चलने को तैयार हूँ। हमारे बीच में ऐसो के राष्ट्रीय महासचिव रणवीर सिंह चौधरी बता चुके एक संघर्ष करो, कौन बंदे वाली संघर्ष करो, देश का वो संगठन किसने आज हमें चुना रखा है, मैं पहले से चुना ये क्या है।
कि मैंने आज तक नहीं मानना नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, कभी किसी नेता के सुनने आवाज का लाभ नहीं लगाता। ESL की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTD न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।